Hello everyone, this is Ashish Jain. This is another video on capital gain. देखिए अगर आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर कौन से क्वेश्चन जो है किस तरीके से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए हमने कैपिटल गेन में स्टार्टिंग से ही पढ़ा, बेसिक पढ़ा हमने, लाइक सेक्शन 45 हमने बेसिक हमें चार्जिंग सेक्शन पढ़ा, जहाँ पर बताया कि कैपिटल एसेट प्लस ट्रांसफर अगर कभी इनको कभी को बेच के कोई भी इनकम अगर अराइज होती है तो उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 48 मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, जहाँ हमने एक जनरल रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा कि अगर हम किसी भी कैपिटल एसेट को जिस ईयर में बेचते हैं, ठीक है, तो वो हमारा प्रीवियस ईयर बन जाता है और नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर में हम उसको उसका हम टैक्स पे कर देते हैं। देन वी हैव स्टडीड इन द लास्ट वीडियो दैट इज सेक्शन 45। In that section 45, we have studied some exceptional cases where the taxable year, the amount of sale consideration, the amount of cost of acquisition, the time taken for the period of holding, these all has been changed because of exceptional cases. जैसे हमने पढ़ा था section 45(5) in the case of compulsory acquisition by government. उसमें पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने स्पेशली जो इंडिविजुअल और एचएफ को जो है एक एक्सेप्शन दे दी थी, ठीक है, बाकी जो भी अगर कोई और कैपिटल एसेट तो उसमें जो है अंडर सेक्शन 45(5) के अकॉर्डिंग जो है टैक्स देना होता था, ठीक है। ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 47, ये भी एक तरह का एक्सेप्शन केसेस है, यानी कि इस एक्सेप्शन केसेस में गवर्नमेंट ने अपने कुछ नॉर्म्स या फिर नॉर्म्स जो वो चेंज कर दिए। देखिए अगर आप पूरे कैपिटल गेन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे टिल 48 जो हमने पढ़ा था लास्ट टू लास्ट वीडियो में, वहाँ पर एक आपका सिर्फ एक बेसिक कैपिटल गेन था कि हमने देखा हाउ टू कंप्यूट द कैपिटल गेन ऑन द टू टाइप्स ऑफ कैपिटल कैपिटल एसेट दैट इज लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। फिर जब हम पढ़ रहे थे सेक्शन 45, वहाँ पर हमने देखा कि एक्सेप्शन केसेस में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये होता क्या है कि जैसे ही गवर्नमेंट के आगे के सामने अगर कोई भी केस आता है तो उस केस को कैसे हैंडल करें गवर्नमेंट क्या करती है, उसका एक एडिशनल सेक्शन बना देती है, तब एक एक्सेप्शन केस हो जाता है कि इस एक्सेप्शन केस में इस तरह की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो सेक्शन 47 में ही ऐसा हुआ जब गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहाँ पर गवर्नमेंट को जो अपने हाथ बांधने पड़े कि इसको तो हम जो है यहाँ पर कैपिटल गेन होगा ही नहीं, यानी कि अब हम ऐसे ट्रांजेक्शन पड़ेंगे जहाँ पर कैपिटल गेन अराइज नहीं हो सकती। देखिए जरा ध्यान से, नो कैपिटल गेन अराइज ऑन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, दैट मीन्स अब हम जो भी पॉइंट्स पढ़ेंगे उन पॉइंट्स में इनकम टैक्स अकॉर्डिंग कैपिटल गेन होगा ही नहीं, अराइज ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए अगर आपको सेक्शन 45 अच्छे से याद है तो हमने वहां पर क्या पढ़ा था कि अगर कोई कैपिटल एसेट है और उसको हम ट्रांसफर करते हैं या सेल करते हैं तो उससे होने वाली जो इनकम जनरेट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, हम कैपिटल गेन, यही पढ़ा था हमने। बट अब हमारे सामने कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन आएगी जहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि हम इस पर टैक्स नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उस केस में वो उसको ट्रांसफर ही नहीं माना गया। देखिए हमने पढ़ा था ट्रांसफर की डेफिनेशन बहुत लंबी है, ठीक है, जैसे हम सेल हुआ, एक्सटिंग्विश हो गया, किसी हमने राइट्स ट्रांसफर कर दिए, गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया, ठीक है, तो उस केस में जो ट्रांसफर माना गया है। बट यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ट्रांसफर मान ही नहीं सकते, ठीक है, और अगर ट्रांसफर नहीं हो तो ये चेंज जो है वो ब्रेकअप हो जाएगी, सिर्फ कैपिटल एसेट रह जाएगा, क्योंकि कैपिटल एसेट को जब तक ट्रांसफर ही नहीं करोगे तो इनकम जनरेट ही नहीं होगी, और अगर इनकम जनरेट नहीं होगी देन देयर विल बी नो कैपिटल गेन अराइज, ठीक है। सो हम अब अच्छे से पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जहाँ पर ट्रांसफर ही नहीं गया। दैट मीन्स सेक्शन 47 में क्या क्या गया है, क्या क्या बोला गया है कि देर आर सम ट्रांजेक्शन वेयर द ट्रांसफर इज नॉट रिगार्डेड, ठीक है,
where the transaction is not regarded as transfer, so that there will be no capital gain. Okay, so one by one इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज ट्रांसफर अंडर गिफ्ट. दैट मीन्स अगर किसी असेसी ने अगर किसी दूसरे पर्सन को, किसी सेकेंड पार्टी को अगर कोई भी कैपिटल एसेट गिफ्ट की है, सो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा. देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है, पहले वो अच्छे से देख लीजिए क्या है. ये एक कोई इकोनेट ट्रांसफरर है, ये मिस्टर ए है एंड मिस्टर बी है. ठीक है, मिस्टर ए ने एक कोई कैपिटल एसेट बी को गिफ्ट करी. ठीक है, अब ये बी कौन है? देखिए बी कोई भी हो सकता है, या तो वो कोई रिलेटिव हो सकता है, या तो कोई नॉन रिलेटिव पार्टी हो सकती है. ठीक, कोई भी हो सकते हैं मिस्टर बी. तो यहाँ पर ए कौन है? ट्रांसफरर. हमने देखिए सेक्शन पढ़ा था 241, जहाँ हमने पढ़ा था कि कोई भी कैपिटल ऐसा कर ट्रांसफर होती है तो कैपिटल, तो एसएससी कौन होता है यहाँ पर? ट्रांसफरर होता है. यहाँ पर ट्रांसफरर कौन है? मिस्टर ए. मिस्टर ए ट्रांसफरिंग कैपिटल एसेट टू बी बाय वे ऑफ गिफ्ट. तब यहाँ पर आप ध्यान से सोचिए, अगर ए ट्रांसफर है, अगर इसको एसएससी मान के चलें तो ट्रांसफर यही है. अब अगर गवर्नमेंट अगर ए से टैक्स ले तो कौन से अमाउंट से टैक्स लेंगे? बिकॉज यहाँ तो ए ने जो बी को कोई भी अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी है वो तो विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर की है ना. बिकॉज ये किसके अंडर आती है? गिफ्ट के अंडर अंडर ट्रांसफर की है ना. यहाँ पे लिखा है गिफ्ट. अब गिफ्ट में तो मतलब फ्री होता है, पैसे तो लेंगे नहीं. ये नहीं कि पैसे भी ले लिए फिर बाद में वो दे गिफ्ट गिफ्ट दे दिया. ठीक है ना, दैट मीन्स ए इज ट्रांसफरिंग कैपिटल एसेट विदाउट एनी कंसिडरेशन. अब अगर कोई कंसिडरेशन ए के हाथ में आया ही नहीं, दैट मीन्स ए की कोई इनकम अराइज ही नहीं हुई, तो कैपिटल गेन कैसे अराइज होगी? ठीक है, तो देखिए सीधा लॉजिक है. दैट मीन्स ट्रांसफर अंडर गिफ्ट, दैट मीन्स अगर ट्रांसफर अंडर गिफ्ट, अगर ट्रांसफर कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है बाय वे ऑफ गिफ्ट, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर. हाउएवर हाउएवर इफ बी सेल दैट कैपिटल गुड इन फ्यूचर, देन बी इज लायबल टू पे टैक्स. ठीक है, मीन्स अब बी कौन है यहाँ पर? कोई भी हो सकता है, रिलेटिव पार्टी भी हो सकता है, नॉन रिलेटिव हो सकता है. अब अगर बी ने इस गिफ्टेड कैपिटल एसेट को फ्यूचर में कभी भी सेल ऑफ करे, सो उससे इनकम तो अराइज होगी और उस पर कैपिटल गेन भी होगा. ठीक है, अब एक बार हम गिफ्ट का कंसेप्ट एक बार अच्छे समझे कि गिफ्ट का कंसेप्ट होता क्या है. देखिए गिफ्ट जैसे मैंने आपको बताया कि या तो हम किसी रिलेटेड पर्सन को देते हैं या तो हम नॉन रिलेटेड पर्सन को देते हैं. ठीक है, देखिए गिफ्ट जो है मेनली अगर कोई भी, अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो या आप, या फिर मान लीजिए आपने किसी से गिफ्ट लिया या किसी ने आपको गिफ्ट दिया सॉरी, तो क्या वो आपकी इनकम में ऐड होगा? जी हाँ होगा. सर कौन से हेड में होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. चाहे आप रिलेटेड पर्सन हो चाहे आप नॉन रिलेटेड पर्सन हो. ठीक है, बट रिलेटेड पर्सन केस में कहता है अगर ये टैक्सेबल कब होगा? अगर गिफ्ट, आपका गिफ्ट का अमाउंट अगर मोर देन 50,000 है तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. बट इस केस में क्या है? इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट, यानी कि कितना भी अमाउंट हो, चाहे वो 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, 4 लाख रुपये का हो, कितना भी हो, जितना भी गिफ्ट मिला किसी फॉर्म में मिला, नॉन रिलेटेड पर्सन को मिला या नॉन रिलेटेड पर्सन से मिला. ठीक है, सो उसमें जितना भी मिला वो सब पूरा पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल जो हो जाता है. ठीक है, बट इन रिलेटेड पर्सन, देखिए रिलेटेड पर्सन हम जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन डिटेल पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन. यानी कि अगर आप किसी ब्लड रिलेशन से कोई भी गिफ्ट अगर आप लेते हो, तो अगर वो 50,000 तक है, ठीक है, सॉरी 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 क्लास सॉरी सॉरी स्ट्रीम सॉरी स्ट्रीम सॉरी इसमें फुली एग्जाम्पल हो जाता है.
अगर आप किसी ब्लड रिलेशन से कोई भी गिफ्ट ले रहे हो, ठीक है, तो जितना भी अमाउंट का अच्छा हो, 1 रुपये का हो चाहे 1 करोड़ रुपये का हो, पूरा एग्जेम्प्ट है। बट यहाँ पर नॉन रिलेटेड में टैक्सेबल का होगा जब गिफ्ट का अमाउंट जो है 15,000 से एक्सीड करेगा, तभी होगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल नहीं होगा। सॉरी मेरे माइंड से स्किप हो गया था। तो देखिए हम यह बात करते हैं गिफ्ट गिफ्ट जो पहले आपको देखना, जब भी कोई गिफ्ट किसी भी एसएससी को मिलेगा तो वो पहले फिर जैसे वो रिसीव करा, ठीक है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कि वो गिफ्ट किससे मिला, अगर रिलेटेड पार्टी से है तो जितना मिला वो पूरा टैक्सेबल, अगर नॉन रिलेटेड पार्टी से मिला है तो देखेंगे अमाउंट, अगर 50,000 तक है तो एग्जेम्प्ट, 15,000 से एक्सीड गया तो पूरा का पूरा टैक्सेबल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे थे कि ए को यहाँ पर ट्रांसफर है, ए ने बी को ट्रांसफर करते, ए तो लायबल ही नहीं है यहाँ पर क्योंकि उसको तो कोई कंसिडरेशन मिला नहीं। बट अगर बी अगर इन फ्यूचर कभी कोई इस कैपिटल सेल को सेल ऑफ करता है तो वो पूरा पूरा इनकम कैपिटल गेन अराइज होगा, ठीक है। नाउ लेट्स टेक सम इलस्ट्रेशन ऑन दैट। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर वेरी केयरफुली। मिस्टर एक्स परचेज अ लैंड ऑन 30 जून 2001 फॉर रुपीज 15 लाख एंड इट वॉज गिफ्टेड गिफ्टेड टू मिस्टर वाई सन ऑन 2 फरवरी 2016। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दैट डेट वॉज रुपीज 48 लाख। मिस्टर वाई सोल्ड हिज लैंड टू मिस्टर ए ऑन 1 नवंबर 2019 फॉर रुपीज 80 लाख। कंप्यूट टैक्स इम्प्लीकेशन इन दी प्रीवियस ईयर 1516 एंड 1920। देखिए पहले क्या हुआ कि 2001 में मिस्टर एक्स ने ये लैंड परचेज किया ऑफ रुपीज 15 लाख एंड देन मिस्टर एक्स गिफ्टेड दिस कैपिटल एसेट टू हिज सन ऑन 2 फरवरी 2016। दैट मीन्स कौन सा फाइनेंशियल ईयर में हुआ, 1516 में। उस फाइनेंशियल ईयर में 45 लाख की उस जमीन की वैल्यू कितनी थी, 45 लाख। अब आप ध्यान से देखिए, टाइमलाइन बनाते हैं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। देखिए पहले ये लैंड जो है कब खरीदी, 1 30 जून 2001 को, कितने में खरीदी थी, 15 लाख में। फिर 2015-16 में उसको गिफ्ट दे दिया, उस टाइम उसकी वैल्यू कितनी थी, फेयर मार्केट वैल्यू 45 लाख टू वाई को। एंड देन ऑन 1 नवंबर 2019 मिस्टर वाई सोल्ड दिस लैंड एट रुपीज 80 लाख, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, देखिए कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पकड़ना है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है। देखिए फ्रॉम 2001 टिल 2015-16 वो कैपिटल एसेट जो है किसके हाथ में थी, मिस्टर एक्स के हाथ में थी, मिस्टर एक्स ने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी। देन बाय वे ऑफ गिफ्ट वो कैपिटल जो है वो ट्रांसफर कर दी टू मिस्टर वाई। मिस्टर वाई कौन है, यहाँ पर रिलेटेड पर्सन है, दैट मीन्स सन है उसके, ठीक है, ब्लड रिलेशन में आ गई। सो अब देखिए मिस्टर पहले जब उसको मिला इस पॉइंट पे आके किसको मिला, ये मिस्टर वाई को मिला, बिकॉज सन को मिला। अभी मैंने आपको बताया था पहले, देखिए देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, एक तो पूछा है कम वी नीड टू कंप्यूट कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर, अगर एक्स के निकालेंगे फॉर दी असेसमेंट ईयर, कब ट्रांसफर किया 1516 में, तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 1617, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, देर विल बी नो कैपिटल गेन। क्यों, मिस्टर एक्स ट्रांसफर है, एक्स को तो कुछ मिला ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं मिस्टर वाई की, फिर लिखेंगे कंप्यूट कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर वाई फॉर द असेसमेंट ईयर
2016-17. ठीक है, मिस्टर वाई कौन है? यहाँ पर रिसीवर हैं, जिन्होंने गिफ्ट रिसीव किया, फ्री में मिला। ठीक है, अब भी बताइए हम यहाँ पर उनकी इनकम कितनी होगी उस वैल्यू में, उस लैंड की जो है वैल्यू कितनी थी? 15 लाख थी। बट क्या उन्होंने 15 लाख अपने हाथ से दिए? नहीं दिए। उसकी जो प्रीवियस ओनर थे, ठीक है, वो कितनी थी? 15 लाख था। ध्यान देखिए, जब मिस्टर वाई के पास वो ज़मीन आई तो उसकी वैल्यू कितनी थी? 45 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बाय गिफ्ट किसे मिला? फ्रॉम फादर। कितने का मिला? उस टाइम उस जमीन की वैल्यू कितनी थी? 15 लाख। ये पूरे का पूरा जाएगा एग्जेम्प्ट, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया था कि गिफ्ट अगर किसी रिलेटेड पर्सन से मिल रहा हो तो जितना भी मिल रहा हो वो पूरा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आएंगे इस पॉइंट पे जब मिस्टर वाई ने उस लैंड को जो वो बेच दिया एट ₹80 लाख। कंप्यूट कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर वाई फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, क्योंकि लैंड कब बेची है? 1 नवंबर 2019 को। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसमें हम। सेल्स कंसल्टेशन ऑफ ₹80 लाख लेस क्या करेंगे अब हम? इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जरा बारे में ध्यान से। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो इंडेक्सेशन का फॉर्मूला होता क्या है, अगर आपने करना चाहोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ द ईयर इन विच कैपिटल एसेट ट्रांसफर, उससे मतलब करते हैं डिवाइड कैसे करते हैं हम? सी आई आई ऑफ द ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज एक्वायर्ड बाय असेसी, यही होता है। ठीक है, सी आई ऑफ द ईयर इन विच कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड डिवाइड बाय सी आई ऑफ द ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज एक्वायर्ड बाय असेसी। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल फॉर्मूला यही होता है, बट यहाँ पे ये कंसेप्ट जो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये वाला कंसेप्ट। इसमें क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला? सी ओ ए मल्टीप्लाई बाय सी आई आई ऑफ द ईयर इन विच कैपिटल एसेट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय सी आई आई ऑफ द ईयर इन विच इट इज सॉरी कैपिटल एसेट इज फर्स्ट हेल्ड बाय प्रीवियस ओनर। मतलब क्या जाए, ध्यान से देखिए यार। आप देखिए यहां से यहां तक लेके तो फादर के हाथ में वो लैंड थी, इसके बाद किसके पास आ गई? भाई के पास आ गई। अब आप यहाँ देखिए, क्या इस पॉइंट में गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लिया था 1560 में? नहीं, क्योंकि पूरा एग्जेम्प्ट हो गया था। तो यहाँ पर भी जो है पीरियड ऑफ होल्डिंग एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू विल बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ द प्रीवियस ओनर। यानी कि इस पॉइंट को अब आप इग्नोर कर दोगे, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप इग्नोर कर दोगे। इस पॉइंट पर कुछ हुआ ही नहीं है, इस पॉइंट पर कुछ हुआ नहीं है, दैट मीन्स कोई गिफ्ट नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये समझ लीजिए कि
इस पॉइंट ये 15 लाख की जो लैंड है वो मिस्टर एक्स ने नहीं खरीदी, मिस्टर वाई ने खरीदी। सीधी सीधी सी बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर कोई भी गिफ्ट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम मिस्टर ए टू मिस्टर बी और दोनों के दोनों पार्टी जो हैं वो कौन है, रिलेटेड पर्सन है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे गिफ्ट ट्रांसफर हुई है या क्या कैपिटल ट्रांसफर हुई है उस पॉइंट को आप इग्नोर कर दो वाइल कैलकुलेटिंग दी इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आप भूल जाओ कि उस पॉइंट पे कुछ हुआ। आप ये मान के चलो कि मिस्टर वाई ने, कि सन ने ही ये प्रॉपर्टी परचेज की एंड सन ने ही ये प्रॉपर्टी सेल ऑफ कर दी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन वेरी सिंपल हो जाएगा, क्या करना है आपको, इंडेक्सेशन देखिए कैसे लेना है। कॉस्ट ऑफ वैकेशन देखिए कितनी थी, 15 लाख, कब बेचा है इसको, 2019-20 में, डिवाइडेड बाई 100, 100 क्यों सर, 2001 में इसको परचेज की थी। बस आगे का खेल हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय 100, ये वेरी हो गई 43,35,000। ₹36,65,000 ये क्या आ जाएगा, LTCG। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए पहले आपको देखना है गिफ्ट जो है दो तरह के होते हैं, यानी कि दो तरह के लोगों को देते हैं, या तो किसी रिलेटेड पार्टी को या फिर नॉन रिलेटेड पार्टी को। अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो सिर्फ एक कंसेप्ट लिया है, दैट मीन्स अगर गिफ्ट जो है जो ट्रांसफर है वो किसको दे रहा है, ट्रांसफर कौन है यहाँ पर, ब्लड रिलेशन यानी रिलेटेड पार्टी है। तो उस केस में मैंने आपको बोला है कि पहले तो कि गिफ्ट क्या हमारा रहेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो पार्ट जो टैक्सेबल नहीं होता। तो आप ये देखोगे कि इस पॉइंट पे आके तो गवर्नमेंट को कुछ मिला ही नहीं। तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जब आप मिस्टर वाई इस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर देगा, यानी कितने सेल ऑफ करी, 80 लाख में करी, तो यहाँ पर तो कोई टैक्स दिया ही नहीं मिस्टर वाई ने। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस पॉइंट को हटाकर गवर्नमेंट बोलती है कि आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग पूरा का पूरा काउंट होगा, ये पूरा काउंट होगा, दैट मीन्स फ्रॉम 2001 टू 2019। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट आ गई, प्लस इसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो भी कौन लेगा, मिस्टर वाई 15 लाख ही लेगा, ठीक है, ना कि 45 लाख। 45 लाख नहीं होगा, यानी कि इस पॉइंट पे आके आप ये बोल लो कि यहाँ पर भी कुछ हुआ है, ठीक है। सो बस अब क्वेश्चन वेरी सिंपल रहेगा, जैसा आप पहले करते थे वैसे ही करना है आपको, ठीक है। बट ये केस मैं कौन सा बोल रहा हूँ, जब गिफ्ट जो है रिलेटेड पार्टी में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। चलिए इसकी और अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए मिस्टर आकाश परचेज अ हाउस ऑन 4th जून 1998 फॉर ₹12 लाख। ही मेड द फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट्स ऑन 15th फेब 1999 ₹3 लाख, ऑन 18th मई 2005 ₹5 लाख। He gifted this house to his daughter Neha on 8th of December 2014. Value was on the time was rupees 48 lakh. On 12th of December 2018, his daughter incurred rupees 8 lakh on improvement. She sold this house on 1st January 2020 for rupees 1 crore 5 lakh. Compute capital gain of Miss Neha for the assessment year 2021. देखिए पहले क्वेश्चन को एक अच्छे समझ लेते, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। मिस्टर आकाश ने एक घर खरीदा 1998 में 12 लाख में। आपको अच्छे से पता है कि अगर 1 अप्रैल 2001 से वन से वैल्यू अगर कोई भी है तो उसकी वैल्यू कंसिडर नहीं करते हम, देखेंगे 1 अप्रैल 2001 में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, हमें वो देखनी है बस, ठीक है। अच्छा मैंने शायद यहाँ पर लिखा नहीं है, चलिए मान के चलते कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 कितनी है, 20 लाख, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2001 कितनी है, 20 लाख। सो हम क्या लेंगे यहाँ पर देखेंगे, हमें हमारे क्या रूल है आपका, यहाँ पर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, विच एवर इज हायर, ठीक है, दैट इज 20 लाख। फिर अब इम्प्रूवमेंट्स की बात करते हैं, आपको ये भी पता है कि अगर इफ एनी इम्प्रूवमेंट्स मेड बिफोर 2001 वी विल इग्नोर, ठीक है,
दैट मीन्स नाउ वी विल इग्नोर दिस पार्ट, इसको इग्नोर करते हैं बिकॉज ये 2001 से पहले, वन से पहले हुई है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे. बट वी विल टेक दिस, इसको हम लेकिन कंसिडर करेंगे 5 लाख को. अब मिस्टर आकाश ने वो हाउस जो है अपनी बेटी नेहा को गिफ्ट में दे दी, जिसकी वैल्यू उस टाइम पे कितनी थी, 48 लाख थी. आपको पता है मिस्टर नेहा कौन है, ब्लड रिलेशन में है, ठीक है. तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट यहाँ से नेहा से कोई भी किसी तरह का टैक्स तो ले ही नहीं सकती. अब उनकी बेटी नेहा ने 8 लाख रुपए का जो इम्प्रूवमेंट में खर्च किया, कब, 12th of December 2018 को. नाउ फाइनली शी सोल्ड दिस हाउस ऑन 1st January 2020 फॉर ₹1.05 crore. नाउ वी नीड टू कंप्यूट कैपिटल गेन ऑफ मिस नेहा फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21. बहुत ईजी, देखिए पहले ऊपर क्या हेडिंग लिखें हम, कंप्यूट कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर आकाश फॉर दी असेसमेंट ईयर. कब गिफ्ट किया था, देखिए वो गिफ्ट में कब ट्रांसफर किया, ऑन 8th of January to December 2014. दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ, 15-16. सो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, सॉरी असेसमेंट ईयर ही 15-16 होगा. आंसर क्या होगा इसमें आपका, नो कैपिटल गेन. जो ट्रांसफर करना है मिस्टर आकाश, कोई कंसिडरेशन नहीं किया, कुछ नहीं मिला, तो देन देर विल बी नो कैपिटल गेन. नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस नेहा फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21. देखिए कैसे करेंगे आप, तो सेल्स कंसिडरेशन दैट इज 1.05 crore लेस इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. तो कौन सी वैल्यू लेंगे अब हम, यहाँ देखिए कौन सी वैल्यू लेंगे, इधर 12 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1st of April 2001. मैं आपको बताता था फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, यहाँ पर रिज्यूम कीजिए आप 20 लाख, विच एवर इज हायर विल बी टेकन. सो आपकी विच एवर इज हायर दैट मीन्स कितनी वैल्यू आपकी, 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय कौन से ईयर का लोगे, देखिए आप कब परचेज किया था हाउस, 1998 को, बट हम यहाँ पर 2001 का हम लेंगे, दैट इज डिवाइड बाय 100. सो 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय 100, दिस कम्स टू अमाउंट इन रुपीज 57,80,000. ठीक है, अब लेसे करेंगे हम यहाँ पर, इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट भी हुई है. अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट 2001 से पहले तो उसको इग्नोर कर देंगे, दैट मीन्स वी विल कंसिडर ओनली इम्प्रूवमेंट फॉर द ईयर 2005 to 6, दैट इज ऑफ रुपीज 5 लाख. कैसे करेंगे, देखिए 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 289, आई थिंक आपको उसमें इंडेक्सेशन गिवन है, देखिए 2005 to 6 का कितने बने, 170 विच कम्स टू अमाउंट इन रुपीज 12,35,043. ठीक है, नेक्स्ट मिस नेहा ने भी उसमें इम्प्रूवमेंट किया,
8 लाख रुपए का, कौन से ईयर में? 1819 का। 1819 का देखिए आपका कितना दे रखा है क्वेश्चन क्वेश्चन 280। सो लेस इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ रुपीज 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 280 इक्वल टू 8,25,714।26,59,243 Now this will be LTCG of Miss Neha for the assessment year 2021. Yes class, I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये था आपका केस गिफ्ट किसको कर रहे हैं, हम रिलेटिव पर्सन कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं गिफ्ट टू नॉन रिलेटिव पर्सन। गिफ्ट टू नॉन रिलेटेड पर्सन, जैसा अभी हम लोग ग्रुप पर डिस्कस किया था, अगर गिफ्ट नॉन रिलेटेड पर्सन कर रहे हैं तो इसमें क्या देखेंगे हम कि कितना, पहले जितना भी अमाउंट है वो पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। कहाँ पर? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितना भी अमाउंट आएगा, ठीक है, अगर उस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर देते हैं तो बाद में कैपिटल गेन अराइज होगा, ठीक है। इसको हम देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। थर्ड वन, मिस्टर एक्स परचेज गोल्ड फॉर ₹2 लाख ऑन 12th of July 2009। ही गिफ्टेड दिस गोल्ड टू हिज फ्रेंड ऑन 5th of July 2019 वैल्यू 19 लाख। ऑन 12th of October 2019, his friend Mr. A sold this gold for ₹21,50,000. Calculate tax implications on Mr. X and Mr. Y. ध्यान से देखिए कैसे होगा इसको। Computation of कैपिटल गेन, मिस्टर एक्स ने वो गोल्ड गिफ्ट किया तो पहले क्या करें, मिस्टर ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर, कौन से असेसमेंट ईयर में देखिए गिफ्ट किया, ट्वेंटी ट्वेंटी वन में। यहाँ पर क्या आएगा, नो कैपिटल गेन, बिकॉज यहाँ पर मिस्टर एक्स कौन है, ट्रांसफरर हैं, तो वो तो उनके हाथ में कुछ आएगा ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं उनको। तो नाउ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर ए, ही फ्रेंड है यहाँ पर मिस्टर ए, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, ठीक है। देखिए कैपिटल गेन अराइज होने से पहले पहले कौन सी इनकम अराइज होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी गिफ्ट अगर आप रिसीव कर रहे हो किसी नॉन रिलेटेड पर्सन से, सो जितना भी अमाउंट आपको मिला वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने कितने का गिफ्ट मिला था यहाँ पर, 19 लाख का, ठीक है। तो यहाँ से 50,000 लेस करके वो 18,50,000 पे उसका वो टैक्सेबल अमाउंट रहेगा। बट टैक्स तो यहाँ पर पूरा टैक्सेबल अमाउंट तो यहाँ पर 19 लाख ही हो गया ना, ठीक है ना। मीन्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो 19 लाख ही लोगे आप, ठीक है। अब आप आते हैं हम कैपिटल गेन पे। देखिए उसने
अक्टूबर में वो गोल्ड बेच दिया कितने पे, 21,40,000 पे उसने बेच दिया, लेस। अगर आप यहाँ पर देखिए वैसे भी, अच्छा यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है यहाँ पर, तो इंडेक्सेशन तो होगी नहीं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लेगा यहाँ पर। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप रिलेटिव पर्सन हो तो प्रीवियस वाले लेते कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर नॉन रिलेटिव पर्सन है। देखिए अगर आप यहाँ से देखो, अगर आप मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि मिस्टर ए ने पहले तो वो टैक्स देगा 19 लाख पे, जो इनकम फ्रॉम अदर्स उसमें पूरा अमाउंट ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए वो COA अगर प्रीवियस ओनर का लेता है, यानी कि 2 लाख रुपये लेता है, तो उसको टैक्स कितना देना पड़ जाएगा। मैं देखिए अभी मैं सिर्फ एक रफली एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर वो 2 लाख रुपये यहाँ माइनस करेगा तो देखिए टैक्स यहाँ पे कितने पे देगा, 19,50,000 पे, इसी ईयर में 19,50,000 टैक्स देगा, और इसी ईयर पे 19 लाख पे टैक्स देगा। तो यहाँ पर तो डबल टैक्सेशन हो गया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी टैक्स दे चुका है ना, ये तो ऑलरेडी टैक्स दे चुका है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट इसकी इनकम अराइज कर, यानी कि गवर्नमेंट ने मान के चला कि गवर्नमेंट ने मान क्या मान के चल रही है कि उसने गिफ्ट में रिसीव नहीं करा, उसने एक्चुअली पेमेंट करी, क्योंकि पूरी पूरी इनकम मान ली। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है 2 लाख रुपये नहीं आएगा, कितना आएगा, 19 लाख आएगा। तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, ये रहेगा आपका STCG। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप या फिर कोई भी एसेसी किसी नॉन रिलेटिव पर्सन से गिफ्ट अराइज हो रहा है, ये गिफ्ट रिसीव कर रहा है, सो उसमें जितना भी पहले तो अमाउंट मिला, जब उसकी गिफ्ट की जितनी वैल्यू है, वो पूरा का पूरा इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आपने वो कैपिटल सेट अगर आप फ्यूचर में कभी बेचते हो, जैसे इस केस में वो शॉर्ट टर्म यानी कि विद इन 1 ईयर वो उसको बेच देता है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल अराइज हुआ, उससे अमाउंट्स को मिला कितना, 21,50,000, जिस पे वो ऑलरेडी टैक्स दे चुका 19 लाख पे, ठीक है, तो उसकी एक्विजिशन 19 लाख ही मानी जाएगी, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने उसकी इनकम इतनी मानी है, तो ये भी तो खर्चा माना जाएगा ना फिर इसका, तो बाकी रेमेनिंग पे वो क्या हो जाएगा, STCG, उस पर वो टैक्स पे करेगा, ठीक है। सो ये था आपका गिफ्ट का कंसेप्ट, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन 47 पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन पे जो गवर्नमेंट ने ट्रांसफर माना ही नहीं है, तो ये पहला किस्त आपका ट्रांसफर अंडर गिफ्ट, ये हमने खत्म कर लिया, ट्रांसफर अंडर गिफ्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन पार्टीशन ऑफ एचईएफ, ठीक है। जैसे देखिए ये एक एचईएफ है, एचईएफ में देखिए कौन होता है, जैसे बोले कर्ता होता है और उसमें उसके सारे सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। अगर वो अपने मान लीजिए 3 तरह के या 4 कोई फैमिली मेंबर हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हेड कौन है, फादर है या मदर है, कोई भी मान लीजिए कुछ भी लेके चलिए, यानी फादर है तो मदर है, सन है, डॉटर है, मान लीजिए एक और डॉटर है, ठीक है, तो एसेट जो वो चारों में डिवाइड हो गई या डिस्ट्रीब्यूट कर दी पार्टीशन के टाइम पे। देखिए HEF कौन चला रहा था, यही फैमिली में मिल रहे थे और इनको आपस में मिल गई, तो HEF ने तो कोई पेमेंट थोड़ा करी है यहाँ पर, ना तो कोई पेमेंट रिसीव हुई है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली मेंबर्स और HEF एक ही तो बात चल रही है यहाँ पर, इन्हीं से तो HEF चल रहा है, इनके बिना तो HEF चल ही नहीं सकता। सो इस केस में यहाँ पर क्या हुआ कि दैट मीन्स दे आर नॉट ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। सो इस केस में क्या होता है, HEF अगर पार्टीशन हो रहा है और उसके दौरान अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूट एसेट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है टू दी फैमिली मेंबर्स और टू दी मेंबर्स ऑफ HEF, तो उस केस में जितना भी मिल रहा है वो पूरा पूरा अमाउंट जो है वो टैक्सेबल किसके हाथ में होगा, वो इन फैमिली मेंबर्स के हाथ में होगा, ना कि HEF के हाथ में। ट्रांसफर करना पर HEF, तो ट्रांसफर के हाथ में कुछ नहीं होगा, जैसा हमने ऊपर ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन पार्टीशन ऑफ HEF, HEF को यहाँ पर असेसी, बिकॉज यहाँ पर ट्रांसफर करना है HEF, बट HEF को यहाँ पर कुछ नहीं मिला, कंसिडरेशन अमाउंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एसेट को विद इन द फैमिली, तो उस केस में कोई भी अमाउंट जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा इन द हैंड ऑफ HEF, ओके।
Now moving to next point. Transfer by holding company to subsidiary company. If holding company hold 100% of shares of subsidiary company and transferee company is an इंडियन कंपनी. क्या बोल रहे हैं अपन, इनकम टैक्स क्या बोल रहे हैं? इनकम टैक्स बोल रहा है कि एज पर सेक्शन 47 इफ द होल्डिंग कंपनी ट्रांसफर एनी काइंड ऑफ कैपिटल एसेट टू सब्सिडी कंपनी देन इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर इफ इफ बोथ दीज कंडीशन आर फुलफिल्ड. कौन कौन सी? इफ होल्डिंग कंपनी होल्ड 100% शेयर ऑफ सब्सिडी कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर जो केस है वो वाइस वर्सा हो सकता है, होल्डिंग कंपनी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या फिर सब्सिडी कंपनी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. ठीक है, मैंने यहाँ पर होल्डिंग टू सब्सिडी लिखा है, मैंने यहाँ पर सब्सिडी टू होल्डिंग कंपनी लिखा है. ठीक है, बट यहाँ पर दो कंडीशन है, 100% शेयर होल्ड होनी चाहिए प्लस ट्रांसफरी कंपनी होनी चाहिए इंडियन कंपनी होनी चाहिए. ठीक है, दोनों कंडीशन क्लियर होगी. सो इन दैट केस जो ट्रांसफरर है, ठीक है, ट्रांसफर कौन है, या तो होल्डिंग कंपनी हो सकती है या फिर सब्सिडी कंपनी हो सकती है. जो भी कैपिटल को ट्रांसफर कर रहा है उसके हाथ में पूरा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट से उसको माना ही नहीं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. देखिए क्या लिखा है, अगर मान लीजिए सपोज व्हेन अ कंपनी is amalgamated into Indian company. अगर कोई एक कंपनी इंडियन कंपनी के साथ amalgamate हो जाती है, ठीक है, तो जो amalgamated कंपनी होती है वो क्या, वो उसको हम ट्रांसफर कंसिडर नहीं करते उस केस में. ठीक है, बहुत इजी एग्जाम्पल है, तो कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, उसके चार ब्रांच हैं. ठीक है, अब वो क्या करती है, मान लीजिए दो ब्रांच को वो अलग कर देती है, सी को अलग और डी को अलग. अब ये काफी सारे उसके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उन्होंने इस कंपनी के शेयर होल्ड किए हुए थे. अब जब ये कंपनी जो है ये डी मर्ज हो गई, यानी कि कौन सी कंपनी है, इसको बोलते हैं हम रिजल्टिंग कंपनी. ठीक है, तो कुछ शेयर जो होल्ड इसमें किए हुए थे वो तो इसमें भी चले जाएंगे. ठीक है, तो उस केस में अगर कोई डी मर्ज के केस में, ठीक है, डी मर्ज के केस में अगर कोई भी एसेट कैपिटल एसेट ट्रांसफर होते हैं या राइट्स शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस केस में अगर रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी है, ठीक है, वो रिजल्टिंग कंपनी पर इंडियन कंपनी बन जाती है, तो उस केस में इस केस को भी हम ट्रांसफर कंसिडर नहीं करते. ठीक है, बिकॉज देखिए ब्रांच है वही सेम ब्रांच है, अगर ये भी ऑब्वियसली ये भी इंडियन कंपनी होगी इस टाइम पे, बस अपनी ब्रांच जो अलग कर देती है, डी मर्ज होते हैं अलग कर देते हैं, तो इस केस में अगर कोई कैपिटल ऐसे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम डी मर्ज केस में, मर्ज का होता है मिलना, डी मर्ज मीन्स अलग होना. ठीक है, तो रिजल्टिंग कंपनी कंपनी में कोई भी होता है तो वो जिसको हम ट्रांसफर कंसिडर नहीं करते. नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इनटू शेयर्स इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर. क्या बोला है हमारा मतलब, अगर कोई भी जैसे कि कुछ कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं या फिर बॉन्ड्स होते हैं, अगर वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको ट्रांसफर ही नहीं मानते.
हाँ, बट आगे जाकर शेयर्स को अगर बेचते हैं, ठीक है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, मानेंगे उस पर कैपिटल गेन भी अराइज होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर इन फ्यूचर आगे जाके शेयर्स अगर ट्रांसफर देते हैं तो उसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेके चलेंगे हम? पीरियड ऑफ होल्डिंग हम ओरिजिनल लेके चलेंगे जब, यानी कि कन्वर्जन से पहले, कन्वर्जन से पहले, यानी कि उससे पहले या तो डिवेंचर थे या तो बॉन्ड्स थे, तो बेटा हम लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वेन पेंटिंग्स ड्रॉइंग्स स्कल्पचर्स आर्कियोलॉजिकल्स कलेक्शंस आर सोल्ड टू गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि कोई बेहतरीन पेंटिंग ड्राइंग, कोई मूर्ति, ठीक है, या फिर कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है जो कि अगर आप किसी गवर्नमेंट को अगर आप सेल करते हो तो ट्रांसफर तो आप हो, बट अगर गवर्नमेंट को कर रहे हो सेल तो फिर पूरा पूरा वो ट्रांसफर ही नहीं मानेगा इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी ट्रांसफर स्वेट इक्विटी शेयर्स और राइट शेयर्स टू एम्प्लॉय, टू एम्प्लॉयज। देखिए यहाँ पर ट्रांसफर कौन है? कंपनी है, ठीक है, और रिसीवर कौन है? एम्प्लॉयज है। तो कंपनी के हाथ में तो कुछ होगा नहीं, कंपनी के हाथ में कुछ नहीं, लेकिन एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल होगा क्योंकि ये कौन है? रिसीवर। लेकिन ये कब होगा? जब वो आगे जाके इसको सेल कर देते हैं, बट एट द टाइम ऑफ रिसीविंग भी होगा। देखिए जैसे गिफ्ट में हमने ऊपर पढ़ा, अगर गिफ्ट कौन, अगर आप रिलेटिव पर्सन से लेते हो तो पहले तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जिस साल आपने उसको रिसीव किया वो टैक्सेबल हो जाता है, और इन फ्यूचर जब आप उसको बेचे तब वो कैपिटल गेन अराइज होता है। यहाँ पर वही कंसेप्ट, यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट होगा। जैसे देखिए चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ टाइटन लिमिटेड एंड ही रिसीव 200 स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑन 1st जुलाई 2018 विदाउट एनी कंसिडरेशन। ठीक है, एंड द मार्केट वैल्यू इस डेट में कितनी? सपोज 350 पर शेयर। देखिए पहले तो आपको देखने का कि यहाँ पर एक्स कौन है, टाइटन कौन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन है? रिलेशन क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। सैलरी में हमने अच्छे से पढ़ा था कि इफ द एम्प्लॉय रिसीविंग एनी काइंड ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉय देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम में माना जाता है, ठीक है। Celery is a marshland plant in the family Apiaceae that has been cultivated as a vegetable since antique. तो देखिए पहले तो ये जितना अमाउंट जिसको दे रहा हूँ, सैलरी में आगा, देखिए उस टाइम पर उसकी वैल्यू कितनी थी? 350। कितने शेयर खरीदे थे? 200। दैट मीन्स 70,000 तो वो एक्स के हाथ में वो टैक्स हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। अब मान लो, चलो मैं एग्जांपल लेके देता हूँ यहाँ पर ही, एंड मिस्टर एक्स सोल्ड दीज शेयर्स एट 500
per share on first of April 2019, ठीक है। सो मिस्टर एक्स ने वही शेयर जो है 500 रुपये पर शेयर के हिसाब से बेच दी कब, ऑन 4 अप्रैल 2019, ठीक है। तो पहले देखिए ये कौन से प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो गया सैलरी, ये तो हो गया 2018-19 में वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब हम कैपिटल गेन निकालेंगे फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20, क्योंकि कब ट्रांसफर हुआ, वो कब उसने शेयर बेचे, 1 अप्रैल 2019 में। अब उसने शेयर जो है कि कितने टाइम के लिए होल्ड किया, अगर आप देखिए फ्रॉम 1 जुलाई 2018 टिल 30 मार्च 2019, तो कौन सा कैपिटल एसेट हुई आपकी, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। तो उस केस में देखिए सेल कंसिडरेशन के लिए कितना हुआ, कितने पे उसने सेल ऑफ किया, एट ₹500 पर शेयर, दैट मीन्स कितने शेयर से 200, कितना आ गया 1 लाख। लेस से करेंगे अगर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेके क्या क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यही आएगी क्योंकि इसी पे उसने वो टैक्स दिया था, जीरो तो लिख नहीं सकते क्योंकि वो या पूरे 1 लाख पर टैक्स तो देगा नहीं, तो यही क्या रहेगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जैसे हमने ऊपर कंसेप्ट के वही कंसेप्ट आप यहाँ पर फॉलो करें, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन 47, दैट इज देर आर सम ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिगार्डेड ट्रांसफर। देखिए अगर आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ये आपका थियरी बेस्ड है, ये भी आपका थियरी बेस्ड है, ये भी आपका थियरी बेस्ड है, ठीक है। यानी कि सिर्फ इसको अगर आप पढ़ के रीड करके जाओ तो दैट मीन्स आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगी, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। हाँ गिफ्ट वाला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गिफ्ट में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे होते हैं, इंडेक्सिंग कैसे निकालते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैसे कैसे होता है, तो वो आपको पढ़ना अच्छे से होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट आई हैव कम्प्लीटेड दिस सेक्शन, दैट इज सेक्शन 47 वेयर द ट्रांजेक्शन आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, प्लीज कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज ऑल्सो शेयर माई चैनल टू अदर फ्रेंड्स इफ दे आर स्टडिंग इन अदर कॉलेजेस ऑल्सो, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं।